बाबा साहेब ने धर्म छोड़ा, पद छोड़ा, पार्टी भी छोड़ दी, लेकिन अभी बहुत कुछ जुड़ना बाकी था। भारत भाग्य विधाता में आपका एक बार फिर स्वागत है। बाबा साहेब अंबेडकर का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उनका शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा था। वो लगातार बीमार रहने लगे, लेकिन दलित समाज के लिए उनकी चिंता बढ़ गई थी। नियति को कुछ और मंजूर था। आजादी के 9 साल बाद 1956 में बाबा साहेब ने शरीर त्याग दिया, लेकिन उनकी बनाई बुनियाद पर अभी देश की राजनीति का भविष्य टिका था। और इस राजनीति की डोर थामने आया एक अनजान चेहरा। बाबा साहब दलितों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन बीमारी के चलते राजनीति में उनकी सक्रियता कम हो गई और अपने महानिर्वाण के समय तक वो किताबें लिखते रहे। सामाजिक राजनीतिक बदलाव का ये प्रणेता देश की चिंता के दिल और दिमाग से दूर होता गया। जबकि उनके समकालीन नेताओं को लेकर उनके अनुयायी राजनीति करते रहे। उनकी मृत्यु के 14 साल बाद आखिरकार महाराष्ट्र से दूर पंजाब में 1970 में अंबेडकर की विरासत संभालने के लिए एक नया चेहरा उभरा, जिसका नाम था काशीराम। और जिसके आधार पर जाति बनी है, जाति चलती है, तो उस जाति का आधार का वो शिकार बने हैं, विक्टिम्स ऑफ द सिस्टम, या जाति के आधार पर जिनको गिराया गया है, अपमानित किया गया है, पिछाड़ा गया है, तो ऐसे लोगों को संगठित करके जाति की जो इवन इफेक्ट्स है, उसकी जो बुराइयां है, उसका मुकाबला करने के लिए मैंने इनको तैयार किया है। सरकारी नौकरी करने वाले इस आम आदमी ने बाबा साहब के सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक रूप देना शुरू किया। उन्होंने दलित कर्मचारियों के साथ मिलकर बामसेफ नाम का एक संगठन बनाया और दलित राजनीति की नींव डाली। बामसेफ के बाद 80 के दशक में उन्होंने दलित शोषित मंच DS4 तैयार किया और 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाकर राजनीति की मुख्य धारा में उतरे। काशीराम ने दलित राजनीति के लिए बाबा साहब अंबेडकर को गले लगाया और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर भारतीय राजनीति में एक बार फिर प्रासंगिक होते चले गए। उनका राजनीति में पुनर्जन्म हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, चुनाव हारे भी, आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने और साथ ही बन गए दलितों के मसीहा। उनकी लड़ाई अभी जारी थी। हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था को बदलने में वो नाकाम रहे और हिंदू धर्म की पैरवी, साथ ही साथ दलितों को हरिजन कहने पर महात्मा गांधी से उनके मतभेद भी सामने आते रहे। आखिरकार उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। बहुजन समाज पार्टी के जनक काशीराम के बाद अंबेडकर की विरासत संभाली मायावती ने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खास तौर से शुरू कास्ट के लोगों को, ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के लोगों को शिक्षा में, नौकरियों में, राजनीति में आरक्षण देने के लिए उन्होंने काफी स्ट्रगल किया और भारतीय संविधान में इनको कानूनी अधिकार दिया। महाराष्ट्र से उठी अंबेडकर की आवाज की गूंज समूचे उत्तर भारत में सुनाई दी। अंबेडकर की इस आवाज को यूपी के अवाम ने दिल में बैठा लिया और बहुजन समाज पार्टी को उस सत्ता तक पहुंचाया
जिसका सपना बाबा साहब ने देखा था। देखते ही देखते अंबेडकर वर्तमान भारतीय राजनीति का वो चेहरा बन गए जो अपने जीते जी वो कभी नहीं बन पाए थे। कभी उनको नजरअंदाज करने वाली कांग्रेस को भी आज अंबेडकर उतने ही अपने लगने लगे हैं जितने बाकी नेता। राजनीतिक पार्टियों की भी मजबूरी बन चुकी है कि वो एक तरफ हम लोग कहे कि वोट की राजनीति है, ये बराबर है कि बाबा साहब को मानने वालों की संख्या बढ़ती रही है इसलिए वो वोट की राजनीति भी करती रही है, लेकिन दूसरी उनकी इंटेलेक्चुअल जरूरत भी हो चुकी है। ये अंबेडकर के व्यक्तित्व का ही कमाल है कि देश की राजनीति अब उनके नाम के बिना नहीं हो सकती, उनके विचारों के बिना नहीं हो सकती, उन्हें मुख्यधारा में रखे बिना नहीं हो सकती। वो आज की जरूरत है, यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हकीकत है। आजादी की लड़ाई के दौरान और उसके बाद देश ने तमाम कद्दावर नेता देखे, उनके वारिस देखे जो धीरे धीरे खत्म होते गए, उनके विचार, उनके आंदोलन, उनके समर्थक सब धीरे धीरे पीछे छूटते गए, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारतीय राजनीति में अपने समकालीनों के मुकाबले और मजबूत होते गए। वो आज इतने प्रासंगिक हैं जितने शायद अपने जीवन काल में भी नहीं रहे, और ये उन्हीं की देन है कि आज वो वर्ग जो राजनीति की तो छोड़िए समाज का हिस्सा बनने की लड़ाई नहीं लड़ पा रहा था, अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रहा था, आज उसी की बुनियाद पर देश की राजनीति खड़ी है। भारत भाग्य विधाता में आज इतना ही।